हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट हैंड गुरुजी चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ स्मार्ट आउटलाइंस, जो कि ऋषि प्रणाली के स्मार्ट आउटलाइंस हैं। लेकिन उसको शुरू करने से पहले मैं आप लोग से कहना, अगर आप पहली बार में स्किल टेस्ट क्लियर करना चाहते हैं शॉर्ट हैंड का, तो उसके लिए पहले हम कैसे तैयारी करते हैं, यानी जो हमारा 1-2 महीने ट्रेनिंग पीरियड होता है शॉर्ट हैंड का स्किल टेस्ट से पहले, जब हमें सारा टाइम देना पड़ता है, तो उसके लिए हम क्या स्ट्रेटजी अपनाते हैं तैयारी के लिए, और एग्ज़ाम हॉल में जब हम स्किल टेस्ट देने जाएंगे वहाँ पर क्या स्ट्रेटजी होती है, इन सब के ऊपर मैंने एक बहुत ही अच्छे से वीडियो बना रखी है। आप सभी लोग प्लीज़ वॉच करिए उसे, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रखा हूँ उसकी, आप लोग प्लीज़ वॉच करिए, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो आप लोग के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहली आउटलाइन है पश्चावर्ती की, इस प्रकार से बनाएंगे पश्चावर्ती, पश्चा और वर्ती, ठीक है। लास्ट में आप चाहे बिंदी भी लगा सकते हैं आंकड़ा के बदले। इसके बाद है अभिलिखित, ठीक है, इसमें तो बहुत सिंपल सा है, ताक आंकड़ा लगेगा। उसके बाद है मिथ्याकरण, ठीक है, आप लोग मिथकरण भी लिख सकते हैं, लेकिन मिथ्याकरण लिखने से कंफर्म हो जाता है या लगाने से। उसके बाद है विश्वास पात्र, विश्वास और इसे में आप पात्र लगा सकते हैं, ठीक है। उस लोग पास से काटते हैं लेकिन उसमें पेन उठाना पड़ेगा तो ज़्यादा टाइम लगता है। फिर महाधिकता है, तो महा लिख के उसी में अधिकता आप लगा देंगे, जैसे आप अधिकता लिखते हैं उसी तरीके से आप महा को बड़ा कर देंगे तो महाधिकता हो जाएगा। अनुपस्थित में उसमें स्थित का आंकड़ा लगाते हैं, ऐसे उपस्थित लिखते हैं उसके पहले ना लगा देंगे तो अनुपस्थित हो जाएगा। फिर विचारणी होता है, विचार लिख के उसमें ना और या लगा देंगे तो हो जाएगा विचारणी। उसके बाद गिरफ्तारी में ग, र और फ लिख के उसमें जो तार का आंकड़ा होता है उसको लगा देंगे तो गिरफ्तारी हो जाएगा। फिर आदेशिका है, जैसे आदेश लिखते हैं उसी में का लगा देंगे तो उसके बाद आदेशिका हो जाएगा। भ्रष्टतापूर्वक, इसमें हम सिर्फ लिखते हैं भ्रष्टपूर्वक, शॉर्ट हैंड में भ्रष्टपूर्वक लिखेंगे उसको पढ़ा जाता है भ्रष्टतापूर्वक। उसके बाद है प्रविष्टियाँ, हम लिखेंगे प्र, जैसे हम प्र लगाते हैं सिंपल सा, उसके बाद प्र लिख के वा लिखेंगे और सा लगाते हुए टियाँ लिख देंगे, प्रविष्टियाँ। बिंदी लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं होती है, अपने आप हम पढ़ लेंगे। उसके बाद निश्चायक है, निश्चायक इसमें हम यह लगा सकते हैं। उसके बाद अभ्यासिक है, अभ्यास जैसे लिखते हैं उसी में का लगा देंगे, बिंदी लगा देंगे तो कंफर्म हो जाता है कि अभ्यासी के नेम कई वर्ड्स पढ़ सकते हैं। उसके बाद है प्रकटीकरण, प्रकट लिख के उसमें करण लगा देंगे प्रकटीकरण, और आप नहीं कंफर्म कर पाते तो बिंदी लगा सकते हैं। फिर निर्वासन है, जैसे निर्वाचन लिखते हैं उसी तरीके से स्टार्टिंग करेंगे निर्वासन की, बस इसमें सन लगा देते हैं तो निर्वासन, ठीक है। उसके बाद है सेवानिवृत्ति, तो हम सेवा लिखेंगे उसके बाद सा का आंकड़ा लगाकर, सेवा लिखने के बाद उसमें निवृत्ति लगा देंगे, ठीक है। कुछ लोग सेवानिवृत्ति लिखते हैं, कुछ लोग सेवानिवृत्ति, उसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं और दोनों अलग चीज़ें होती हैं, इसलिए आउटलाइन आप कंफर्म कर सकते हैं। फिर उसके बाद राधा कृष्णन है, उसके बाद राधा कृष्णन में भी बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, राधा कृष्णन और राधा कृष्ण कैसे लिखेंगे, तो दोनों में कोई दिक्कत नहीं होती है, आप जब सेंटेंस पढ़ेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। फिर विद्रोही होता है, विद्रोही उस तरीके से विद्रोही लिखते हैं, कुछ लोग या भी लगा देते हैं, तो आप चाहे या का आंकड़ा लगाइए चाहे पूरा अलग या लगाइए, ठीक है। फिर कोषाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष इस प्रकार से बनाएंगे, छोटा सा कोष लिख के अध्यक्ष लगा देंगे उसमें। फिर है अल्पसंख्यक, ला और पा लिखेंगे, संख्यक लगा देंगे, इसमें हम खा में ना काट के भा पे काट रहे हैं, इससे जल्दी हो जाता है, या आप चाहें तो खा को भी लास्ट में काट सकते हैं, बीच में ना काटिए। इसके बाद है विशिष्टता, तो जैसे हम विशिष्ट लिखते हैं वहीं पर ता का आंकड़ा लगा देंगे, ठीक है, टा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद है अवस्थापन, तो जैसे अवस्था लिखते हैं अवस्था, इसी में हम पा लगा देंगे, यानी कि था का लोप करना बहुत ज़रूरी है, नहीं काफ़ी बड़ी आउटलाइन बन जाएगी। इसके बाद है पुनरीक्षण, पुनरीक्षण इस प्रकार से लिखेंगे, पा लिख के निरीक्षण। उसके बाद साहित्य में हम सा और हा को गोला जब बड़ा कर देंगे तो सा हा अपने आप जुड़ जाता है तो साहित्यकार हो जाएगा। इसके बाद साप्ताहिक, जैसे सप्ताह लिखते हैं उसमें सप्ताह लिखने के बाद का लगा देंगे तो साप्ताहिक हो जाएगा। फिर है निष्कर्षण, निस लिख के कर्षण लगा देते हैं आगे इसमें तो निष्कर्षण हो जाएगा। फिर शुभ कामना, शुभकामना जैसे लिखते हैं इसमें लास्ट में या लगा देंगे तो शुभकामनाएं हो जाएगा। फिर है ज्वलनशील, इसमें जा पे ला का आंकड़ा लगाएंगे तो जलन हो जाएगा और नीचे ना का आंकड़ा। इसके बाद इसको शील जैसे बनाते हैं, शील का आंकड़ा होता है, इसे काट देंगे। फिर है डिक्शनरी, डिक्शनरी इस प्रकार से बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये कुछ स्मार्ट आउटलाइंस थी, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।